हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस कॉमर्स क्लासेस। आज मैं लेके आया हूँ यूजीएस नेट का पेपर वन, जो कि 2000। आज का पहला क्वेश्चन है, द गिवन टेबल प्रेजेंट द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीचर एंड रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल टीचर वर्किंग इन यूनिवर्सिटी इन सिक्स डिफरेंट सब्जेक्ट टू वेयर देयर इज अ टोटल नंबर ऑफ 1600 टीचर इन द यूनिवर्सिटी बेस्ड ऑन द डाटा इन द टेबल। आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीचर दिया गया है, सब्जेक्ट पर्पस से ए बी सी डी ई एफ। परसेंटेज ऑफ टीचर दिया गया है 13%, 18%, 12%, 21%, 14% एंड 32%। रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल टीचर दिया गया है 1:7, 5:3, 1:3, 3:4, 9:5 एंड 7:9। आपको इस तरह के सवाल को अगर सॉल्व करना है तो आपको ये टेबल को पहले सॉल्व करना होगा। आगे क्वेश्चन पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ टीचर इन सब्जेक्ट सी इज अप्रोक्सीमेट व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ फीमेल टीचर इन सब्जेक्ट डी एंड सब्जेक्ट ए टुगेदर। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो ऊपर में हिंदी में पढ़ सकते हैं। मैं हिंदी में क्वेश्चन को फिर से रीड करके ज्यादा समय नहीं लगाना चाहूंगा। इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन वन 58%, ऑप्शन टू 43%, ऑप्शन थ्री 47%, ऑप्शन 51%। तो इसका सही जवाब होगा 58%। ये मैं जो भी आप आंसर बताऊंगा वो यूजीसी जो आंसर की है ये उसके द्वारा आंसर है। ऐसा भी हो सकता है कुछ उनके आंसर है जो कि गलत है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा कौन कौन से उनके आंसर जो थे वो गलत थे, उनको सॉल्व कैसे किया जाएगा, उस सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसमें हम लोग इंक्लूड नहीं करते क्योंकि अगर इसमें इस सब सारी बातों को हम इसमें कंसिडर करना शुरू करेंगे तो ये बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो अभी जो है इस वीडियो में हम फोकस करेंगे कि क्वेश्चन के ऊपर और साथ ही साथ यूजीसी के नेट के द्वारा जो आंसर बताया गया उसके ऊपर। हमारा दूसरा सवाल है, द गिवन टेबल प्रेजेंट द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीचर एंड द रेशियो ऑफ द मेल एंड फीमेल टीचर वर्किंग इन अ यूनिवर्सिटी इन सिक्स डिफरेंट सब्जेक्ट ए टू एफ। द टोटल नंबर ऑफ टीचर इज 1600 इन द यूनिवर्सिटी बेस्ड ऑन द डाटा इन द टेबल। आंसर द क्वेश्चन। सब कुछ वही है, बस यहाँ पे आपको एक लाइन ऐड की गई है जो कि पूछा क्या गया है वो सारी बात आपको इस लाइन में बताई जा रही है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ द टीचर सब्जेक्ट एफ एंड द टोटल नंबर ऑफ मेल टीचर। पिछले में फीमेल टीचर के ऊपर बात था, इसमें मेल टीचर के ऊपर, इन दिस सब्जेक्ट ए एंड सब्जेक्ट बी टुगेदर। यहाँ पे भी आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, 192, 182, 146 एंड 136। अगर आपको इस तरह के जब भी सवाल सॉल्व करोगे तो आपको सबसे पहले रफ में ये सब चीजों को कैलकुलेट कर लेना चाहिए क्योंकि आपको हर सेक्शन से पांच सवाल पूछे जाते हैं और अगर एक टेबल के ऊपर पांच सवाल पूछे जा रहे हैं और बार बार आप उसको कैलकुलेशन करोगे तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है। तो स्मार्ट यही होता है कि आप इस पूरे टेबल को रफ में सॉल्व कर ले और उसके बाद हर सवाल में आपसे पूछा क्या जा रहा है उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके आप उसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा 192। आपने भी 192 ही लगाया होगा। तीसरा सवाल पूछा गया है, तीसरे में आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ फीमेल टीचर इन सब्जेक्ट एफ एंड द नंबर ऑफ द मेल टीचर इन सब्जेक्ट सी। डिफरेंस पूछा जा रहा है मेल और फीमेल टीचर का सब्जेक्ट एफ और सब्जेक्ट सी में। इसके ऑप्शन क्या दिए गए हैं, इसके ऑप्शन दिए गए हैं 156, 160, 150, 153। तो इसका सही जवाब होगा 156। देखते हैं आंसर की में क्या दिया गया है, 156। इसी टेबल पे चौथा सवाल पूछा गया है, इसमें आपसे क्या निकालने के लिए बोला जा रहा है, आपसे बोला जा रहा है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेल टीचर इन द यूनिवर्सिटी। आपको मेल टीचर बताना है यूनिवर्सिटी में
यहाँ पे रेशियो दिया गया मेल टू फीमेल का, आप ये सारे के सारे जो है रेशियो निकाल के इसको सम करना तो आपको मेल टीचर इन द यूनिवर्सिटी पता चल जाएगा। और आपको यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन दिए गए, 696, 702, 712, 668, तो इसका सही जवाब होगा 696। मैं एक बार आपको फिर से याद दिला दूं, ये जो भी मैं आंसर बता रहा हूँ वो यूजीसी नेट के आंसर की के द्वारा जो आंसर है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। और आपको मैं एक नेक्स्ट वीडियो भी लेके आऊंगा इसी पेपर वन के ऊपर, जिसमें मैं बताऊंगा कि आपको इस टेबल को सॉल्व कैसे करना है और उसका आंसर क्या होना चाहिए। और इस टेबल पे पांचवा और आखिरी सवाल पूछा गया है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द, रेशियो किसके पूछा है, नंबर ऑफ द फीमेल टीचर इन सब्जेक्ट ई टू द नंबर ऑफ द मेल टीचर इन सब्जेक्ट डी। सब्जेक्ट ई और डी के बीच में आपको रेशियो निकालना है फीमेल टीचर और मेल टीचर का। और यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन 5:9, दूसरा 2:9, तीसरा 3:7, चौथा 5:3, तो इसका सही जवाब होगा 5:9। मैं यहाँ पे आपको सारी चीज को इंटरप्रेटेड नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि ये 45 क्वेश्चन है, क्योंकि 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं 5 क्वेश्चन जो कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड है उसको यहाँ पे मैं डील नहीं करूंगा। जो रेस्ट 45 क्वेश्चन जो है मैं पेपर वन के उन्हीं को यहाँ पे रखूंगा। 45 क्वेश्चन अगर मैं सारे क्वेश्चन को डिटेल में डिस्क्राइब करने लगूंगा तो बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए इसमें अवॉइड कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट दूसरे सेक्शन का टीचिंग से है, द वेरिबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डिलीवरी ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ अ लेसन बाय अ टीचर इज कॉल्ड एज, इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, पहला थिंकिंग कैलकुलम, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, कॉम्प्रिहेंशन और चौथा है प्रोसीड्यूरल नॉलेज। आपके हिसाब से क्या सही है, इसका सही आंसर है थिंकिंग कैलकुलम। दूसरा क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्वयं प्लेटफॉर्म फॉर ऑफरिंग मॉक हैज हाउ मेनी क्वाड्रेंट फॉर द डिजाइनिंग कोर्सेज। ये जो स्वयं से रिलेटेड हर बार एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है, अगर आपको अगर कुछ तैयारी करनी है, अगर आपसे बोला जाए कोई एक टॉपिक आप पढ़ के जाए तो ये स्वयं से रिलेटेड टॉपिक जरूर पढ़ के जाए, क्योंकि स्वयं से कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जा रहा है और थॉट टॉपिक है आज के समय में। तो इसके चार ऑप्शन दिए गए, आपसे पूछा जा रहा है कि स्वयं प्लेटफॉर्म ऑफरिंग हाउ मेनी क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट के बारे में जानना जा रहा है कि स्वयं में कितने क्वाड्रेंट हैं। तो पहला 2 क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट, 6 क्वाड्रेंट, 8 क्वाड्रेंट, तो इसका सही जवाब है 2 क्वाड्रेंट। स्वयं में कितने क्वाड्रेंट दिए गए हैं, 2 क्वाड्रेंट। Our next question is, आपको 2 स्टेटमेंट दी गई है और 2 स्टेटमेंट को आपको रीड करके बताना है कि ये कौन सी स्टेटमेंट है वो सही है, ट्रू कौन सी स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट है कि ऑल कंपोनेंट ऑफ वर्किंग मेमोरी आर इन द प्लेस बाय द एज ऑफ 4 इन अ चाइल्ड एज अ डेवलपमेंट स्टेज। स्टेटमेंट 2 है, इफ अ चाइल्ड डज नॉट कंटिन्यू टू पे अटेंशन टू इंफॉर्मेशन the activation level weakness and finally drops so low that the information cannot be reactivated and disappear altogether। कि अगर बच्चा किसी खास तरह की activity perform नहीं करता तो कुछ समय के बाद वो जो काम है उसमें weak होते जाता है और वो कुछ समय के बाद वो भूल जाता है। ये statement सही है क्योंकि अगर कोई भी काम हम बच्चे से बार बार कहेंगे या बच्चे को बोलते हैं 2 का table बार बार पढ़ने के लिए तो बच्चे को याद हो जाता है, और वही 2 का टेबल जो है बच्चे से हम लोग कुछ वीक उसको रिवाइज नहीं कर पाए तो वो अपने आप वो सारी चीजों को भूलने लगता है। ये जो स्टेटमेंट है, पहला बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट,
सेकंड, बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर इनकरेक्ट. स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट. स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज करेक्ट. यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका सही जवाब होगा ए, फर्स्ट होना चाहिए. बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर करेक्ट. Our next question is, match the following से हम पूछा जा रहा है. आपको क्या जो टेबल दिए गए, एक में न्यूरल सिस्टम ऑफ अ ब्रेन के बारे में जानकारी दी जा रही है और दूसरे में किस तरह की मेमोरी है उसके बारे में. तो ए में कॉन्शियसनेस, बी अनकॉन्शियसनेस, सी मोटर स्किल, डी ओन एक्सपीरियंस. मोटर स्किल मतलब जो आप परफॉर्म कर लेते हो अपने आप, है ना. और मेमोरी है इम्प्लिसिट मेमोरी, वेस्टिड्यूलस मेमोरी, एक्सप्लिसिट मेमोरी और सियोडिक मेमोरी, संयोगिक स्मृति. तो इसके चार ऑप्शन है. ए कॉन्शियस का एपिसोडिक मेमोरी, बी अनकॉन्शियस का एक्सप्लिसिट मेमोरी, सी का इम्प्लिसिट मेमोरी और ओन एक्सपीरियंस का होगा रेसिडुअल्स मेमोरी. इसका सही जवाब होगा ये पहला वाला. आपने भी पहले वाले को सही टिक लगाया होगा. दूसरा क्वेश्चन है, कॉग्निटिव डोमेन फॉर बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स कंप्राइजेस विच ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव्स. कॉग्निटिव डोमेन से एक सवाल उठाया गया फॉर बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव के बारे में. इवेल्युएशन, वैल्यूइंग, कॉम्प्रिहेंशन, प्रिसाइजनेस, नॉलेज. इसके ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं. सर ये चीज आप देख रहे हो कि जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन कम है और उसमें थोड़ा सा आपका लेवल कितना डेप्थ में चीजों को समझते हो उसके बारे में ज्यादा फोकस किया जा रहा है. वहां पे देखिए जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए बी सी, सेकंड बी सी डी, थर्ड ए सी ई, फोर्थ सी डी ई. तो कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वो सही आपको लग रहा है. तो पहला है मूल्यांकन, मूल्य निर्धारण करना और सी समझ. ये जो है पहला वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है. तो आपको अपनी स्टडी में इन चीजों को ध्यान देना होगा कि आपको ऊपर ऊपर लर्न नहीं करना, थोड़ा सा डेप्थ में जाके सारी चीजों को अंडरस्टैंड करना है. नहीं तो आपको लगेगा कि आपको सारी कुछ नॉलेज है मगर वहां पे आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग द रिसर्च when we avoid speculative and metaphysical approach instead concentrated on studying observable fact it is called, इसे क्या कहेंगे, feminist ethno methodology, constructionist और चौथा positivist. इसका सही जवाब होगा feminist. फेमिनिज्म जो है इसका सही जवाब होगा. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन रिसर्च द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मेथड्स, स्टडी ग्रुप, लोकल एंड टेम्पररी सेटिंग एंड डिफरेंट थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव इन डीलिंग विथ फिनोमेना इज कॉल्ड. इसके चार ऑप्शन है, ट्रायंगुलेशन, सेकंड कंटेंट एनालिसिस, थर्ड कॉर्पस, फोर्थ मीडिएशन. तो इसका सही जवाब होगा ट्रायंगुलेशन. देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपको कुछ दिया गया और इसमें भी आपको कंपिटिशन पर दे दिया गया. क्या क्वेश्चन पूछा गया, आइडेंटिफाई अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फर्स्ट स्टेप्स.
देखिए यहाँ पे स्टेप्स के ऊपर आपसे जानना चाह रहा है कि जो स्टेप्स का सीक्वेंस क्या है। आपको सिर्फ स्टेप याद नहीं करना है, साथ ही साथ उनके सीक्वेंस को भी आपको सही से याद रखना होगा, तभी आप इस तरह के सवाल बता पाओगे। फॉर द सेंट्रोइड मेथड ऑफ फैक्टर एनालिसिस, आपको स्टेप्स का सीक्वेंस बताना है। इसके क्या बताएगा, ए वर्किंग आउट ऑफ द सम ऑफ द कोएफिशिएंट इन ईच कॉलम ऑफ द कोरिलेशन मैट्रिक्स, बी कंप्यूट द मैट्रिक्स ऑफ कोरिलेशन, सी ऑब्टेन द सम ऑफ द कॉलम, डी डिवाइड द सम ऑफ ईच कॉलम बाय स्क्वायर रूट। तो कॉम्बिनेशन दिया ए सी डी बी या सी बी ए डी, तीसरा है बी ए सी डी, चौथा है बी सी ए डी। तो वर्किंग आउट द सम ऑफ द कोएफिशिएंट तो करना पड़ेगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, सम ऑफ द कॉलम, कॉलम को सम करना पड़ेगा, उसके बाद क्या करेंगे, डिवाइड द सम ऑफ ईच कॉलम बाय द स्क्वायर रूट, उसके बाद जो वैल्यू आएगा, और लास्ट में कंप्यूट द मैट्रिक्स ऑफ कोरिलेशन। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ए सी डी बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें आपको दो लिस्ट दी गई है और उसको मैच करना है, ए आर्बिट्ररी अप्रोच, बी कंसेंसस अप्रोच, सी आइटम एनालिसिस अप्रोच एंड डी क्यूमुलेटिव स्केल्स। और लिस्ट सेकंड में बताया गया, नंबर ऑफ इंडिविजुअल आइटम आर डेवलप्ड इनटू द टेस्ट व्हिच इज गिवन टू अ ग्रुप ऑफ रिस्पोंडेंट, सेकंड स्किल इज डेवलप ऑन एडहॉक बेसिस, तीसरा चूज ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंफर्मेशन टू द सम रैंकिंग ऑफ आइटम विद ascending and descending discrimination power, chautha hai panel of judge evaluating the item chosen for inclusion in the instruction. aur iske char option diye gaye hain, ek three arohi aur avrohi vibhag vibhedkaran shakti, b ka two, c ka one, डी का फोर। दूसरे बोला गया ए का टू होना चाहिए, बी का फोर, सी का वन, डी का थ्री। तीसरे में ए का वन, बी का थ्री, सी का टू और डी का फोर। चौथा है कि ए का फोर होना चाहिए, बी का फर्स्ट, सी का थ्री और डी का टू। तो इसका सही कॉम्बिनेशन होगा ए का थ्री, बी का टू, सी का वन और डी का फोर। एक बार फिर से क्वेश्चन में जाके देख लेते हैं, आर्बिट्रल अप्रोच में चूजिंग ऑन द बेसिस ऑफ द कंफर्मेशन टू द सम रैंकिंग ऑफ आइटम विद असेंडिंग और डिसेंडिंग डिस्क्रिमिनेशन पावर, और कंसेंसस अप्रोच में पैनल ऑफ जजमेंट। सी का आइटम एनालिसिस, नंबर ऑफ इंडिविजुअल आइटम आर डेवलप्ड इनटू अ टेस्ट व्हिच इज गिवन गिवन टू अ ग्रुप ऑफ रिस्पोंडेंट, और क्यूमुलेटिव स्केल का होगा पैनल ऑफ जजमेंट इवैल्यूएशन एंड इट्स चूजन फॉर इंक्लूजन इन द इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दी गई है, आप बताना स्टेटमेंट कौन सी सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द बेसिस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम इज टू, और स्टेटमेंट टू है, द बाइनरी एडिशन इज जस्ट लाइक अ डेसिमल एडिशन एक्सेप्ट दैट द इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूजन द करेक्ट आंसर फ्रॉम द अपोजिट। तो यहाँ पे दोनों ही की दोनों स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, वो स्टेटमेंट फर्स्ट है, स्टेटमेंट टू आर ट्रू। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन चेंजेस विद इन अ ग्रुप ऑफ रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, इसका चार ऑप्शन दिए गए हैं, वर्टिकल कम्युनिकेशन, सेकंड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, थर्ड रिस्क कम्युनिकेशन, फोर्थ पर्सनल कम्युनिकेशन। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, मोर एंड मोर इनफॉर्मल एक्सचेंज विद इन अ ग्रुप, विद इन अ ग्रुप में हम लोग क्या करते हैं, वर्टिकल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका होगा पहला वर्टिकल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइडेंटिफाइड एज वर्बल कम्युनिकेशन स्किल, वर्बल कम्युनिकेशन स्किल में क्या क्या आता है, यूज ऑफ एग्रेसिव लैंग्वेज, असर्टिव ओपनिंग, फीडबैक चैनल, टेक क्रेडिट ऑफ और कंसेप्ट। और ई है यूज ऑफ अफर्मेटिव वर्ड। इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं,
एबीसी क्या यूज ऑफ एग्रेसिव लैंग्वेज एंड वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है, असर्टिव ओपनिंग फीडबैक, टेकिंग क्रेडिट फॉर वनसेल्फ और यूज ऑफ अफर्मेटिव वर्ड। तो इसका सही जवाब होगा ए बी और सी, यूज ऑफ एग्रेसिव लैंग्वेज, असर्टेटिव और ओपनिंग फीडबैक जो है वो वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे दो सवाल पूछ, दो स्टेटमेंट दी गई है और दो स्टेटमेंट से आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट वन, बॉडी लैंग्वेज इज द बेसिस ऑफ डिसेप्टिव कम्युनिकेशन। और स्टेटमेंट टू है, नॉन वर्बल क्यूज हैव देयर ओन शेयर्ड मीनिंग। क्या स्टेटमेंट वन जो है और स्टेटमेंट टू ट्रू है? सेकेंड में क्या था, स्टेटमेंट वन ट्रू है, स्टेटमेंट टू फॉल्स है? थर्ड ऑप्शन है स्टेटमेंट वन इज ट्रू एंड स्टेटमेंट टू इज फॉल्स, और फोर्थ है कि स्टेटमेंट वन इज फॉल्स और स्टेटमेंट टू इज ट्रू। इसमें कौन सा सही है? इसमें ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही है कि बॉडी लैंग्वेज इज द बेस ऑफ द डिसेप्टिव कम्युनिकेशन। हम लोग जो है बहुत सारी चीजें तो बोल के बताते हैं, मगर बोलने से ज्यादा हमारी बॉडी लैंग्वेज है बहुत सारी चीजों को एक्सप्रेस कर देती है। और सेकंड, नॉन वर्बल क्यूज हैव देयर ओन शेयर मीनिंग। बिल्कुल सही बात है, अगर आप गुस्सा हो, अगर आप कुछ बोलते भी नहीं हो, मगर आपके बॉडी और जेस्चर जो है बहुत कुछ बता देता है कि आप अभी गुस्से हो में हो या कि आप खुश हो। ये जो है ये कम्युनिकेशन पार्ट से उठाया गया है सारे क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कैटेगराइजिंग ऑफ ड्रिप बाय कम्युनिकेशन। ड्रिप बाय कम्युनिकेशन को आपको क्या करना है, सीक्वेंसली अरेंज करना। सबसे पहले इसमें क्या बताया गया, क्लस्टर चेन, प्रायोरिटी चेन, गॉसिप चेन, सिंगल स्ट्रेट चेन। सेकेंड ऑप्शन है बी सी डी, प्रायोरिटी चेन बनाएंगे, फिर क्या करेंगे, गॉसिप करेंगे, फिर सिंगल स्ट्रेट चेन करेंगे, फिर क्लस्टर चेन। थर्ड ऑप्शन है कि पहले सिंगल स्ट्रैंड चेन बनाएंगे, उसके बाद गॉसिप चेन बनाएंगे, उसके बाद प्रायोरिटी चेन बनाएंगे और लास्ट में क्लस्टर चेन बनाएंगे। और लास्ट में बताया जा रहा है फोर्थ ऑप्शन है कि गॉसिप चेन बनाएंगे, उसके बाद सिंगल स्ट्रेट चेन बनाएंगे, फिर हम लोग क्लस्टर चेन बनाएंगे और फिर लास्ट में प्रायोरिटी। तो इसका सही होगा ए बी सी डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कैटेगरी ऑफ कम्युनिकेशन बताया गया और दूसरे में आपको फीचर्स के बारे में बताया जा रहा है। कम्युनिकेशन का कुछ फीचर्स हैं, पहला लैटरल, बी हैप्टिक, सी सेमेंटिक, डी सिमियोटिक। आपने सारे क्वेश्चन को देखा होगा, सारे क्वेश्चन को अगर आपको आते भी हैं मगर आप उसको सही से डील नहीं कर पाओगे जब तक आपको उसके ऊपर अच्छी पकड़ ना हो। तो लैटरल का क्या होगा, बिटवीन इक्वल, और हैप्टिक जो होता है टच कम्युनिकेशन को कहा जाता है, किसको आप टच करते हैं उससे जो कम्युनिकेशन होता है उसको हैप्टिक कहते हैं। सेमेंटिक के लिए कंसर्न विथ मीनिंग, और सेमियोटिक के लिए इंटरप्रिटेशन ऑफ साइन। जो भी आप रोड पे देखते होंगे कुछ साइन सिंबल लगाते हैं वो सिमियोटिक कम्युनिकेशन का पार्ट है। तो सही कौन सा होगा, पहला वाला। आप भी साथ साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन को आप जब तक खुद से आप चीजों को एनालाइज करते नहीं है तब तक चीजें आपके दिमाग में आएंगी ही नहीं। विच वन कम द नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, ये जो है मैथमेटिक्स एरिया से उठाया गया है, इसमें नंबर सीरीज जो है दी गई है और उसके हिसाब से आपको बताना है कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा। पहला में 8 है, फिर 6 है, फिर 4 है, 4.5 है, फिर 3.5 है, तो नेक्स्ट वन क्या होगा, 1, 2, 3, 2.5,
इस प्रकार जो नेक्स्ट नंबर होगा वो होगा 1। ये कैसे होगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आगे इसको सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पे अभी सॉल्व वाला नहीं देख रहे, बस ये जानने की कोशिश करें कि इसका सही आंसर क्या होगा एज पर यूजीसी के तौर पे। ये मैथ का और जो टेबल है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करना सीखेंगे कि इसको सॉल्व किया कैसे जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स हैज 1 1/4 टाइम एज मेनी एज वाई एंड जेड हैज 1 1/4 टाइम एज मेनी एज एक्स ऑल टूगेदर दे हैव 61। How many do Z, Y and X have respectively? तो इसके चार ऑप्शन दिए गए। पहले में बोला है कि X, Y और Z जो है, How many do Z, Y और X? Z क्या बताया जा रहा है पहले में 25, 16, 20। दूसरा बताता है कि Z 20, 16, 12 होना चाहिए। तीसरा है 25, 20 and 60 होना चाहिए। और चौथा है 16, 20 and 25। तो Z कितना होगा अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो 25, 16 एंड 20 आएगा। तो पहला वाला इसका सही आंसर है। ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन उठाया गया। सो द मैन इन अ फोटो कविता सेड ही इज द ब्रदर ऑफ माय अंकल इज ब्रदर ऑफ माई अंकल्स डॉटर। इसके चार ऑप्शन है नेफ्यू, सेकंड कजन, थ्री अंकल और सन। तो इसका सही जवाब है नेफ्यू। इस तरह के जो क्वेश्चन है इसमें आपको ज्यादा समय नहीं लगाना चाहिए क्योंकि जितना आप यहाँ पे समय बचाओगे उतना ही आपको वहां पे मैथमेटिकल एरिया वो समय और कॉम्प्रिहेंशन में आपको बहुत ज्यादा समय लगता है। तो इस समय को आप सेव करते हो तो वहां पे आप इसको यूटिलाइज करके समय पे अपना पेपर खत्म कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेटमेंट 1। इन 1 मिनट द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक गेन 5 ओवर द आवर हैंड। स्टेटमेंट 2। इफ द बोथ मिनट एंड आवर हैंड स्टार्ट मूविंग टुगेदर फ्रॉम द सेम पोजिशन बोथ द हैंड विल कोइंसाइड आफ्टर 64 मिनट। तो ये दो स्टेटमेंट है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स, दोनों की दोनों गलत है। तीसरे स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। चौथी स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहे हैं, इन 1 मिनट द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक गेन 5 ओवर द हैंड। अगर आप इसको नॉर्मल जो आपके हैंड में घड़ी बंधी हुई है, वॉच बंधी हुई है, उसके क्लॉक को अगर आप देखोगे उससे अगर इसको रिलेट करने की कोशिश करो कहीं ना कहीं आप चूक जाओगे। आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन में बताया जा रहा है उस डाटा का इस्तेमाल करके चीजों को इंटरप्रिटेट करना है। स्टेटमेंट 1 बता रहा है कि इन 1 मिनट द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक गेन 5 ओवर द आवर हैंड, ठीक है, ये 5 का गेन हो जाता है। और इसी डाटा को रेफर करते हुए आपको ये बताना है स्टेटमेंट 2 में इफ बोथ द मिनट एंड आवर हैंड स्टार्ट मूविंग टुगेदर फ्रॉम द सेम पोजिशन बोथ हैंड विल कोइंसाइड आफ्टर 64 मिनट। तो आपने ये देखा, ये जो है 5 का गेन हो जा रहा है। नॉर्मली क्या होती है कि आपकी जो सुई चलती है और वो मूव करते एक जगह यहाँ पे जाके मिट करती है। तो यहाँ पे क्या है 5 का गेन हो जा रहा है। तो अगर 5 का गेन हो जा रहा है तो चौथे जो फिफ्थ पोजीशन पे आते आते वो क्या है कोइंसाइड कर जाएगा। यहाँ पे बोथ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। अपने क्लॉक से इसको रिलेट कर दोगे तो गलत हो जाएगा ना डाटा, उसके हिसाब से इसको इंटरप्रेट करना आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट दी गई है। अ सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू अ 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10, 20 एंड 25 इज 46%। बी
मोबाइल सोल्ड फॉर 40,500 एट अ लॉस ऑफ 20%. द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मोबाइल इज 18,225. आपको कुछ बताया गया, स्टेटमेंट दी गई है और उसको आपको रिलेट करते हुए बताना है स्टेटमेंट के बारे में. पहला ए एंड बी ओनली, कौन सी स्टेटमेंट सही है? ए और बी सही है कि बी और सी सही है कि ए और सी सही है कि ए और सिर्फ और सिर्फ ए सही है? तो इफ लॉस इज वन थर्ड ऑफ द सेलिंग प्राइस द लॉस परसेंटेज 28. यहाँ पे अगर आप सॉल्व कर लोगे तो ये जो ए और बी जो है वो सही है. ये अ सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू थ्री सक्सेसिव डिस्काउंट है. 10% 20% 25% इज 46% और मोबाइल इज सोल्ड फॉर 40,500 एट अ लॉस ऑफ 20%. द कॉस्ट प्राइस ऑफ मोबाइल इज 18,225. Our next question is, in the context of the using of language, in the context of the use of language, which of the following is a fallacy that pertain to the relationship between a person's belief and his circumstances? इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, argument and peculum, B है argument and hominem, आर्ग्यूमेंट एंड इग्नोरेटन और फोर्थ है आर्ग्यूमेंट एंड वेरी कॉन्टियन. यहाँ पे साइड में ये इसका मतलब भी लिखा गया, ये वेलकम मतलब फोर्स होता है, होमिनियन मतलब सर्कमस्टांशियल होता है, इग्नोरेशन मतलब होता है इग्नोरेंस को बताया जाता है, वेरी कॉन्टियन मतलब होता है ऑथोरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है. रिलेशन बिटवीन पर्सन बिलीव एंड हिज सर्कमस्टांसेस आर्गुमेंट एंड उसका फोर्स जो है वो डिसाइड करता है. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ सम मेंबर आर नॉट वोटर इज फॉल्स इन अ स्क्वायर ऑफ द अपोजिट ऑफ प्रोपोजिशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कोड कैन बी करेक्टली पिक? ए ऑल मेंबर आर वोटर इज फॉल्स, बी सम मेंबर आर वोटर्स इज ट्रू, सी ऑल मेंबर आर वोटर इज ट्रू, डी No member or voter is true. यहाँ पे all member or voter is false. Because some member are not voter is false. अगर some member voters नहीं है, ये statement गलत है. The square of the opposition of the proposition क्या होगा? All member are not false. आपको square करना है. इसका ठीक उल्टा हो जाएगा. All member are voter वो भी false. यहाँ पे इसका ऑप्शन दिया गया ऑल मेंबर एंड वोटर इज फॉल्स, सम मेंबर एंड वोटर इज ट्रू, सी है ऑल मेंबर आर वोटर इज ट्रू, डी नो मेंबर आर द वोटर इज ट्रू. यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखिए, यहाँ पे अगर सिर्फ चार ऑप्शन रहते तो ये ए मैच पिक करता, मगर यहाँ पर है एक कॉम्बिनेशन में आंसर डाले हुए, तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको चुनना होगा. पहला तो सही है, पहला करेक्ट है. सब मेंबर आर नॉट वोटर, इसका क्या होगा? नो मेंबर आर वोटर, इसको आप स्क्वायर कर दोगे तो ये भी हो सकता है, नो मेंबर आर द वोटर. इसमें आपका ए और डी जो है वो सही. साथ साथ आप लोग भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं कि नहीं, जब तक आप खुद से अटेम्प्ट नहीं करोगे तो आपको चीजों को समझ नहीं आएगा कि यहाँ पे आप चीजों को रट के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते. Our next question is, all businessmen are self-confident. Second, no self-confident men are religious. Therefore, no religious men are businessmen. So choose the correct answer of the given note. A E E. Second, A E E. Second, third. तो
ए फर्स्ट जो है इसका सही आंसर होगा। ये कहाँ पे मिलेगा आपको? रीजनिंग जो हमारा एरिया है, टॉप सब पार्ट है, वहां पे आपको एक चीज सीखने को मिलेगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नॉलेज ऑफ सेल्फ नोन ऑब्जेक्ट थ्रू द इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ द सेंस ऑर्गन बट द एग्जिस्टेंस ऑफ इंद्रिया इज प्रूव बाय चार ऑप्शन दिए गए, अनुमना प्रमाण, बी शब्द प्रमाण, थ्री अर्थ पद्धति प्रणाम, चौथा है अपना प्रणाम। तो इसका सही जवाब होगा आपको कहां से? सेंस ऑर्गन से। एंड बट द एक्सपीरियंस ऑफ इंद्रिया इज अप्रूव, आप सेंस ऑर्गन से लेते हो, आपकी इंद्रिया को अप्रूव करते, इसको वो कहते हैं अनुपन्ना प्रमाण। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉर्म ऑफ नॉलेज इज नॉट डिराइव थ्रू द इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ अदर नॉलेज। इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, परसेप्शन, सेकंड इंफेरेंस, थर्ड वर्ड टेस्टिमनी, फोर्थ कंपैरिजन। इस सीधे सीधे आपसे पूछ लिया गया कि नॉलेज इज नॉट डिराइव, कहां से नॉलेज नहीं डिराइव होती है? परसेप्शन, आपने कुछ परसेप्शन दे लिया, आपकी जो किसी की आपका जो परसेप्शन है उससे आप किसी तरह से आपको नॉलेज नहीं मिलने वाली। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द रिस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फीचर्स ऑफ टिपिकल ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड्स, ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या क्या फीचर्स हैं? उसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, इंटरफेस अलाउइंग कम्युनिकेशन बिटवीन द यूजर्स एंड द कंप्यूटर, मेमोरी मैनेजमेंट एलोकेटिंग इंटरनल मेमोरी टू द प्रोग्राम एंड डाटा इन द यूज एंड रिट्रीविंग एंड स्टोरिंग डाटा ऑन द एक्सटर्नल मेमोरी डिवाइस, सी रिसोर्स हैंडलिंग कंट्रोल पेरिफेरल डिवाइस एंड हैंडलिंग यूजर रिक्वेस्ट फॉर पेरिफेरल डिवाइसेस, और चौथा है इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू द सर्विस ऑफ द इंटरनेट। इसके क्या क्या ऑप्शन दिए गए? ACD, BCD, ABC और ABD। क्या ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इंटरफेस ऑनलाइन कम्युनिकेशन करता है? हाँ करता है। क्या ये रिसोर्स हैंडलिंग कंट्रोल एंड पेरिफेरल डिवाइसेस, क्या इसके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करता है? आपका जो आप जो विंडो डाउनलोड करते हो क्या उससे इनपुट आउटपुट कंट्रोल होता है? हाँ होता है। क्या इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइडिंग कनेक्टिविटी, क्या इंटरनेट एक्सेस अगर आप जब तक आपने माइक्रोसॉफ्ट विंडो डाउनलोड नहीं किया होगा तब तक आप इंटरनेट नहीं यूज कर सकते हो, तो इसका सही क्या जवाब होगा? पहला ACD। यहाँ पे अप्रोप्रिएट टेक्निकल टर्म के बारे में बताना है, उसके बाद कुछ स्टेटमेंट दी गई है उसका टेक्निकल टर्म्स क्या है। पहला ऑथराइजिंग लैंग्वेज यूज टू क्रिएट डॉक्यूमेंट टू बी व्यू ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, इसमें होगा HTML, कंप्यूटर दैट रिस्पॉन्ड टू द रिक्वेस्ट टू प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। तीसरा है डिफाइनिंग द मैसेज आर ट्रांसमिटेड एंड फॉर्मेटेड ओवर द इंटरनेट। चौथा है सॉफ्टवेयर दैट एनेबल द यूजर्स टू एक्सेस व्यू डॉक्यूमेंट एंड अदर रिसोर्सेज ऑन द इंटरनेट। ये तो है, और इसका ऑप्शन क्या क्या दिए गए? एक का थ्री HTML, ठीक है, बी का फोर इंटरनेट सर्वर डाउनलोड पर सूचना एवं सेवाएं देने के लिए किया गया है, तो वो सर्वर के द्वारा सेवा दी जाती है, और सी इंटरनेट पर ट्रांसमिट एवं फॉर्मेट होने वाले मैसेज को परिभाषित करना, इसका काम है ब्राउजर का, और ऐसे सॉफ्टवेयर जो प्रयोगात्मक को इंटरनेट पर डॉक्यूमेंट और दूसरे संसाधनों को एक्सेस करने में मदद करता है वो है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है वो हमें मदद करता है उसको एक्सेस करने में। इसका सही जवाब होगा फर्स्ट,
अरेंज द फॉलोइंग ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस भी आपको सेलेक्ट करना है। क्या डीवीडी है? हाँ डीवीडी है। क्या सीडी रोम है? ऑप्टिकल हाँ है। ब्लूरे हाँ है। सी बी ए क्या ऑप्टिकल है? हाँ तीनों के तीनों ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। मगर आप कैसे स्टोरेज करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे ज्यादा कैपेसिटी वाला कौन सा है? ब्लूरे। उसके बाद सीडी रोम, उससे बाद डीवीडी। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें दो स्टेटमेंट दी गई है और आपको ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। क्या दोनों स्टेटमेंट सही है? क्या कोई एक स्टेटमेंट सही है? स्टेटमेंट वन है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल पेरिफेरल एंड एलोकेट मेमोरी एंड प्रोसीड्योर्स टाइम। स्टेटमेंट टू, एन ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस। क्या पहला पूछ रहा है क्या स्टेटमेंट आर सही है? क्या ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल पेरिफेरल कंट्रोल करता है, इनपुट आउटपुट को कंट्रोल कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो ये बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। ये हमने पहले भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, इसी को यहाँ पे फिर से घुमा के पूछ लिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कंपोनेंट यूज टू सेलेक्ट वन फ्रॉम मल्टीपल अल्टरनेटिव। स्क्रॉल बार का इस्तेमाल करते हैं, पुश बटन का इस्तेमाल करते हैं, प्रोग्रेस बार का इस्तेमाल करते हैं, या रेडियो बटन का? अगर आप क्या करते हैं, हम लोग स्क्रॉल बार से हम लोग जाके नीचे या ऊपर चले जाते हैं ना, तो स्क्रॉल बार। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड ड्यू टू एक्सपोजर टू अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। ये एनवायरमेंट से क्वेश्चन उठाया गया कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से कौन सी डिजीज नहीं होती है? प्रोकैरियोटिक जो है वो गंदी हवा में सांस लेने से होती है, और जनरली कहाँ पे? माइनिंग एरियाज में ये वाली बीमारी पाई जाती है। मेलानोमा और प्यूरा डैमेज और इक्रीथिमा, ये सारी की सारी जो है अल्ट्रा वायलेट से होती है। और इसका सही जवाब होगा ब्रोंकियाटिक। एनवायरमेंट से अकॉर्ड सवाल दो लिस्ट दी गई है, लिस्ट वन एंड लिस्ट टू, वाटर पोल्यूटेंट। और इसका एग्जाम्पल एंड एक्सप्लेनेशन दिया गया है। लिस्ट वन में वाटर पोल्यूटेंट के बारे में बताया गया, ए डिजीज कॉजिंग एजेंट, बी ऑक्सीजन डिप्लीटिंग वेस्ट, सी इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिएंट, डी वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक केमिकल। इसके एग्जाम्पल दिए गए, पहला ऑर्गेनिक वेस्ट डिकम्पोज बाय एरोबिक बैक्टीरिया, सेकेंड एसिड सॉल्ट कंपाउंड ऑफ टॉक्सिक मेटल, थर्ड बैक्टीरिया प्रोटोजोआ वॉर्म एक्सेट्रा, फोर्थ वाटर सॉल्युबल नाइट्रेट एंड फॉस्फेटिक कॉजेस एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी और एक्सेट्रा। देखते हैं इसके क्या क्या ऑप्शन दिया गया है। डिजीज कॉजिंग एजेंट कौन सा है? वाटर सॉल्युबल नाइट्रेट एंड फॉस्फेट कॉजिंग एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी। डिजीज कॉजिंग एजेंट है ऑर्गेनिक वेस्ट डिकम्पोज बाय एरोबिक बैक्टीरिया जो है डिजीज, इसलिए से डिजीज फैलता है। दूसरा ऑक्सीजन डिप्लीशन, वाटर सॉल्युबल नाइट्रेट जो होता है वो ऑक्सीजन को डिप्लीट करता है। इनऑर्गेनिक प्लांट और न्यूट्रिएंट्स और इनऑर्गेनिक प्लांट एसिड सॉल्ट कंपोनेंट और टॉक्सिक मेटल जो होता है वो इनऑर्गेनिक होता है, और वाटर सॉल्युबल बैक्टीरिया प्रोटोजोआ एंड वॉर्म एक्सेट्रा। ये जो आंसर है थोड़ा सा सही नहीं है, इसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा। मगर ये जो है यूजीसी नेट के द्वारा इसका सही जवाब बताया गया है, ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें दो स्टेटमेंट दी गई है और उसमें से आपको सही स्टेटमेंट चुननी है। स्टेटमेंट वन है, नाइट्रिफिकेशन रिजल्ट इज एन इंक्रीज इन इफ्लुएंट एनीमिया टॉक्सिसिटी। और स्टेटमेंट टू, डीनाइट्रिफिकेशन रिड्यूस नाइट्रेट टू नाइट्रोजन गैस यूजिंग बैक्टीरिया। क्या कौन सा स्टेटमेंट सही है? वो स्टेटमेंट वन एंड टू आर करेक्ट। स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर इनकरेक्ट। स्टेटमेंट वन इज करेक्ट पर स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट पर स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। इसमें दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है।
Sure. Our next question is, flotation is a unit operation used in waste water treatment to removing the lighter suspended B, concentrated biological sludge, C, remove oil and greasy, D, remove temporary hardness of the water. Flotation in a unit operation. ये क्या करता है? बायोलॉजिकल स्लज को रिमूव करता है, रिमूव ऑयल करता है, रिमूव द टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ द वाटर और रिमूव द लाइटली सब्सटेंडेड सॉलिड। इसका सही कौन सा होगा? ए, बी और सी जो है इसके सही होंगे। और रिमूविंग द टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर, ये जो है फ्लोटेशन इन यूनिट ऑपरेशन ये काम नहीं करती है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस उसका नाम दिया गया है, ठीक है। अच्छा, ये जो नाम है वो किसमें दिया गया? ये जो केमिस्ट्री में जो नाम दिए जाते हैं उसी में उसके नाम दिए जा रहे हैं, और उसको आपको नेम बताना इसका नाम क्या। तो C3H7 को का नाम क्या है? HCFC। C2FH3Cl2 जो है HFC, और तीसरा है C2F4Cl2, किसको कहते हैं हम लोग? हेलोन। और CF3Br किसको कहा जाता है? CFC को कहा जाता है। ये नाम आपको थोड़े याद करने पड़ेंगे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया कि द कंट्री विच हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, सबसे ज्यादा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कहाँ पर है? इंडिया में, चाइना में, यूएसए में, रशिया में? सबसे ज्यादा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कहाँ पर है? वो इंडिया में है। आपको निम्नलिखित में से उनके गठन क्रम कालानुसार व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे अलग अलग समय पे कमीशन बैठाई गई थी, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है। हार्टोज कमीशन, बी सेटलर कमीशन, सी मैकले मिनट्स, डी सार्जेंट प्लान, ई वोट डिस्पैच। कौन से समय में कौन सी कमीशन आई थी, इसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले आई थी मैकल, उसके बाद है वोट, उसके बाद है हार्टोज, उसके बाद है सेटलर कमीशन, और लास्ट में है सार्जेंट प्लान। इसमें से आपको बताना है कि इस क्वेश्चन पूछा जाए कि स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी नहीं है? NAC जो है, NMC, NCERT, AICTE, NCTE, कौन सी स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है? तो NAC जो है कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, और NMC जो है कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, मगर NCERT, AICTE और NCTE जो है स्टैट्यूटरी बॉडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि UGC ने जो स्टैब्लिश किया गया था इसका पर्पस क्या है? प्रमोटिंग रिसर्च एंड इनोवेशन इन हायर एजुकेशन इन द कंट्री, हाँ है। कोऑर्डिनेशन एंड डिटरमिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, मेंटेन करना, मेंटेन नहीं करना। ये स्टैचुरी बॉडी क्या करते हैं, गाइडलाइन देती हैं, और ये यूनिवर्सिटी का काम होता है कि उसको मेंटेन करें। सी इंक्रीजिंग एंड एक्सेस टू हायर एजुकेशन इन द कंट्री, और डिसबर्समेंट ग्रांट टू द यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज, इसका काम चंदा देना नहीं है, ग्रांट देना नहीं होता है। और ई सर्विंग एज अ वर्चुअल लिंक बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर, बिल्कुल सही है। तो इसका सही क्या आंसर होगा? पहला ACLE। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दो लिस्ट भी दी गई है, उसको आपको मैच करना है। AICT, ICHR, ICPR, ICSSR। और लिस्ट टू में प्रमोट रिसर्च इन फिलोसफी, प्रमोट रिसर्च इन हिस्ट्री, प्रमोट ऑफ क्वालिटी इन टेक्निकल एजुकेशन, प्रमोट रिसर्च इन सोशल साइंस। तो AICT क्या करती है? टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर काम करती है,
आईसीएचआर क्या करती है हिस्ट्री के, और आईपीसीआर क्या करती है फिलोसफी में काम करती है, और आईसीएसएसआर जो है वो काम करती है सोशल साइंस पे। हमने 45 क्वेश्चन पेपर वर्क में टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से हमने 45 क्वेश्चन को डील कर लिया, और अब जो 5 क्वेश्चन है जो पैसे से रिलेटेड है वो जो है मैं इस वीडियो में डील नहीं करूंगा। होप सो आपको ये जो वीडियो है बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा, इससे आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से आपको पेपर वर्क को रीड करना है और कहां कहां पे आपको अपने जो एफर्ट्स है लगाने की जरूरत है और चीजों को किस तरह से आपको देखना है। क्योंकि अब तक जो आप क्वेश्चन को रीड करते थे इंटरप्रेट करते थे उसका तरीका अलग होता था, मगर अब आपको यहाँ पे जो चीजों को एनालिसिस करने का तरीका चेंज करना होगा, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और समझ सकते हो। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो में भी आगे भी लेते आऊंगा, और साथ ही साथ ये जो वीडियो है इसमें कुछ क्वेश्चन के आंसर मेरे हिसाब से कुछ गलत है, मैं उसके लिए एक रिवाइज वीडियो भी लेके आऊंगा जो कि इस वीडियो के ब्रॉडकास्ट होने के एक दिन के बाद में वो वीडियो अपलोड कर दूंगा, ताकि आप जो चीजों को समझ सको कि आगे सही इसका आंसर क्या होना चाहिए। जो मेरे हिसाब से जो इंटरप्रिटेशन जो थी कुछ जगह मेरे को गलत लग रही थी, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करूंगा। बाय बाय।